चलिए अब सीधे चलेंगे लाइव, जहां लखनऊ में योगी आदित्यनाथ योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता शिखर को छू रही है।
44 लाख लोगों ने अब तक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया है, अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। 4 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं और चयन प्रक्रिया की पात्रता परीक्षा करने के बाद 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। शायद इतिहास में ये पहली योजना है जिसको लोगों ने खुले मन से स्वीकारा है और ये संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो वास्तव में समस्या के मूल तक जाकर स्थायी समाधान खोज देती है। मैं सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री रमापति शास्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। सभी वक्ताओं से हम ये अनुरोध करेंगे कि कृपया अपना उद्बोधन संक्षिप्त रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए। मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जो मंत्री पायदान पर खड़े हुए लोगों का नेतृत्व किया है, आज उसके अभ्योदय की व्यवस्था आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मैं आपका मेरे शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द से आपका स्वागत करूं। जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को एक बात देखा है, सुना है और उसको अंतिम पायदान पर ले जाने के लिए आपने जो योजना चलाई है, ये तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए मील का पत्थर बनेगा। उप मुख्यमंत्री आदरणीय कुमार शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय वर्मा जी, सभी अधिकारीगण है। अभी संचालक महोदय ने बताया कि यहाँ पे पहुंचने में 50 लाख तक लोगों ने देख लिया अब तक, और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये अद्भुत योजना उन तमाम वंचितों को जाने वाला है जिसको 70 सालों तक किसी ने अब तक पूछा नहीं था। मैं आपको बहुत आभारी हूँ उन गरीबों के, तमाम ऐसी व्यवस्था से वंचित रहने वालों से, उनके तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आवासा करता हूँ। क्योंकि हमने कई राज्यों के लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क किया है, भारत सरकार के लोगों ने भी संपर्क किया कि इतना बड़ी योजना बनाने वाले ऐसे लोगों को लिए जो उत्तर प्रदेश से प्राथमिकता 70 साल के बाद में आगे बढ़ने वाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिन अधिकारियों ने इसमें अपने योगदान दिया है, मैंने जैसे सहगल जी हैं, हमारे वो कविस्तर साहब हैं, और पुलिस विभाग अपने लक्ष्मण सिंह जी हैं, और अन्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को टटोला है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IIT कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा जी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। मैं देख रही हूँ उनका नाम सुनकर युवाओं के चेहरे की चमक बढ़ गई है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक के लिए आप जाने जाते हैं और 2020 में पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर HC वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मंच पर सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समाज कल्याण मंत्री जी हैं, रमेश जी हैं, तिवारी जी हैं, सभी का बहुत अभिनंदन। और इस अद्भुत अभ्युदय योजना की पूरी करीबन परिकल्पना
को ग्रहण करने के लिए, उसको फिर धरातल को उतारने के लिए आपने जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत को एक इस तरह की सौगात देने जा रहा है जिसका अनुकरण शायद सभी सरकारें भविष्य के अंदर में करेंगी। बातें कहना चाहता हूँ छात्रों से जो इस कार्यक्रम के आपको देख रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने जो इस अभ्युदय योजना के पहले लाभार्थी हैं, तो दो तीन बातें जरूर मैं आज संक्षेप में यहां से कहना चाहूंगा। ये जो रुचि है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कर रहे हैं, हमारा देश पिछले कुछ समय से बहुत शिद्दत के साथ इस आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए कि हम जब कोचिंग कर रहे हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी इस आत्मनिर्भरता की भावना को भूलने नहीं। ये नहीं सोचना है कि हमारे शिक्षक जो है पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, हम वैसा ही सीखेंगे, हम उतना ही सीखेंगे, तो हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, फिर हम अपने उन शिक्षकों पर निर्भर हो जाएंगे। तो शिक्षक ने हमें एक दिशा दिखाई है, शिक्षक ने हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाया है, लेकिन उस छोटे से रास्ते पर बढ़कर के और संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करना ये हमें करना है। तो अपनी कोचिंग लेते समय में, अपने क्लासेस लेते समय में इसको जरूर ध्यान रखेंगे, केवल वो विषय, वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूले ही वहां तक सीमित नहीं रखना है अपने को, उसको आधार बना करके और स्वयं को विकसित करना है, क्योंकि स्वयं को विकसित करना बहुत आवश्यक है। नई सोच कब आती है? जब हमें स्वयं में अपने मस्तिष्क का हम विकास करते हैं। जो कुछ ज्ञान है किताबों के अंदर में वही तो शिक्षक हमें पढ़ाएंगे, लेकिन जो ज्ञान किताबों में नहीं है वो जब तक मेरे पास नहीं होगा हम नई चीजें लेकर के नहीं आएंगे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी अद्भुत नई योजना लेकर के आए हैं, तो इसलिए क्यों कहीं से किसी ने ट्यूशन में, यहाँ कॉलेज में, अपनी डिग्री के समय में किसी किताब में से पढ़ा, ऐसे नहीं है। तो हम एक नई सोच लेके आ सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उसके हम समाधान निकाल सकते हैं, यह है आत्मनिर्भरता। और इसके लिए अपने को बहुत सारी शक्तियां अर्जित करनी है। हम परीक्षा में पास होते हैं और जिसके लिए हमने इस अभ्युदय कार्यक्रम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस गोल को प्राप्त करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने अपने में कितनी शक्तियां अर्जित की वो हमारा असली पुरस्कार है, वो हमारा असली पुरस्कार है। परीक्षाओं में हम नहीं भी अगर पास हो तो भी अगर हमने उसके लिए साल भर तैयारी की है, दो साल तैयारी की है, और उस तैयारी के समय में हमने अगर ये अपनी दृष्टि रखी है कि हमें अपने को पावरफुल बनाना है, हमें अपने अंदर शक्तियां अर्जित करनी है, तो वो जो शक्तियां दो साल में अर्जित होने वाली है, एक साल में अर्जित होने वाली है, छह महीने में अर्जित होने वाली है, वो मेरा असली पुरस्कार है जो जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला है। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभ्युदय की योजना आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन लेकर के आए, आपको बहुत शक्तिशाली बनाए, आपको बहुत आत्मनिर्भर बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा आपके आसपास बिखरा हुआ है। मंजिल का मिलना ही सफलता नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में जो अनुभव आपको मिलते हैं वो भी बहुत बहुमूल्य होते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। मंच पर आसीन है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी, आदरणीय धर्मेश जी, वर्मा जी, मुख्य सचिव जी, सभी महानुभाव
नियोक्ता भविष्य का निर्धारण करने वाले विद्यार्थीगण, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से 2017 से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के उपायों के माध्यम से हो इसका निश्चय उन्होंने प्रारंभ से किया है। इसी का परिणाम है कि आज 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियों में भर्ती हो चुकी है। कई लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप में उद्योगों से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। निजी क्षेत्रों की कंपनियों में भी कई लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। ऐसे अवसर पर हमारे विद्यार्थी अच्छे पठन पाठन की प्रक्रिया को निःशुल्क प्राप्त कर सके, इसके लिए अभ्युदय योजना का जो संचालन किया गया है वो अपने आप में अनुपम उदाहरण है इस उत्तर प्रदेश का। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, इसमें एक समय कोरोना के संक्रमण काल में हमने देखा कि कोटा से कई हजार विद्यार्थी कोचिंग करने गए थे, महंगे दर पर कोचिंग पढ़ने गए और वहां से वो फंस गए। उनको लाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से तमाम विद्यार्थीगण ऐसे हैं जिनके पास साधन संसाधन है, वो पैसा लेकर कोचिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था और वो अपने अंतर्मन में पीड़ा और वेदना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उनके लिए ये एक अनुपम उदाहरण हुआ है। और मैं समझता हूँ अभ्युदय योजना के माध्यम से जहाँ साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया होगी, वही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरे अच्छे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, जो आईएएस और पीसीएस अधिकारीगण हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा वर्चुअल टीचिंग के तौर पर उनके लेक्चर्स अपलोड होंगे और उसे कहीं भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ विद्यार्थी उनका अध्ययन करके उनको उनके दिए गए लेक्चर्स को ग्रहण करके उसका लाभ उठा सकता है। मंडल स्तर पर जो ये निशुल्क एक प्रकार का प्रशिक्षण करने का जो कार्य योजना है उसमें साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए हमारे विशेषज्ञ जहां उनको पढ़ाएंगे, वहीं उसका सीधा लाभ उनको तमाम पठन पाठन सामग्री को उपलब्ध कराने के साथ प्रारंभ होगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास कैसे हो, कई विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लिखने में उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इंटरव्यू में साक्षात्कार में जाकर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास जागृत होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कुंठा भव्य काम उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। इस कोचिंग के माध्यम से जो हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी या बड़े ऐसे लोग हैं जो विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके अपने अनुभव, उनके अपने टिप्स और उनके द्वारा बताया गया उपाय कि हम किस प्रकार से अध्ययन करें जिससे हम पीसीएस की, आईएएस की, पीओ की, जो एनडीए की या विभिन्न प्रकार की नीट की परीक्षाओं को हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं उसका उपाय बताया गया। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकार की विशेषता है कि हमने वो साधन नहीं किए जब लोग बोलते थे कि नकल एक व्यवसाय बन गया था और बोलते थे कि नकल यहाँ का विद्यार्थी नहीं करेगा तो कहाँ का करेगा, इस प्रकार के वक्तव्य सरकारी स्तर पर आ जाते थे और विद्यार्थी बेरोजगारी की दौर में गुजरता था, दूसरे प्रदेशों में या कहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाता था तो अनुत्तीर्ण हो जाता था। नकलविहीन परीक्षा को प्रारंभ करने के साथ पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया है। आज हाईस्कूल इंटर में बच्चा पढ़ने के बाद जब इंटर्नशिप करने जाएगा तब भी उसको कुछ ना कुछ अनुतोष उसको प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ शुल्क उसको इस प्रकार का प्राप्त होगा जिससे वो अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों की संपूर्ति कर सकता है। इस प्रकार की कार्य योजना के पाठ्यक्रम के साथ उन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा है, जो सामान्य पाठ्यक्रम जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया। साथ में ही जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के साथ में एमओयू साइन हुआ और ई कंटेंट 79,000 के आसपास पूरे प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में फ्री में उपलब्ध कराया गया कि किसी के लेक्चर्स को वो कहीं भी सुन सकते हैं, निःशुल्क उसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को सरकारी स्तर पर चलाने का काम बड़े बृहद पैमाने पर हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख विद्यार्थियों को, लाखों लाख क्या मैं कहूं, करोड़ों विद्यार्थियों को, क्योंकि मात्र 2 दिनों के अल्प अंतराल में 40 लाख से ऊपर लोगों ने इसको देखा है
वेबसाइट को और 6 लाख के आसपास आप बता रहे हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि इसका सफलता हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए उनके भाग्य के परिवर्तन की दिशा में एक कदम होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको ले चलते हैं 5 मंडलों में। जैसा कि आप जानते हैं अभ्युदय योजना सबसे पहले मंडल मुख्यालयों के सेंटर्स में शुरू होगी और बाद में जिलों तक इसका विस्तार होगा। हमारे 5 मंडलों में छात्र मौजूद हैं जो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे और अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वाराणसी। वाराणसी से कपिल दुबे अपनी बात रखेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, आप बोलिए। आपका कोई प्रश्न है? जी जी, मैं मेरा एक प्रश्न है सर, बताएं। प्रदेश के युवाओं से जुड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार में कैसे आया? बहुत सुंदर प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार कैसे आया? जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को सबसे पहले बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब अभ्युदय योजना से जुड़ रहे हैं। अभ्युदय जो शब्द है बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहां हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। यानी धर्म क्या है? जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करे और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके, यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा, इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये बात हमारी नियमित रूप से बैठक चलती है तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है। आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सके तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम इसका शुभारंभ हो रहा है। कल
से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी जी और कपिल आपका भी। वाराणसी के बाद अब हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सुश्री साक्षी पांडे अपनी बात कहेंगी। साक्षी पांडे बोले। जी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरे तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये शुरुआत की। प्रश्न, ये जो आपने ओडीओपी की शुरुआत की है, ये गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए ओडीओपी की जो योजना है ये मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है, जो 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिनव योजना है। दूसरा, हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि शासन अपनी नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। हम बनाते हैं, अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के अनुरूप फिर निवेश को उसके पीछे विकास भी होता है, रोजगार भी होता है। कृषि के बाद कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित हो सकती है। तो ओडीओपी की योजना भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी भाव के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ के नौजवान कार्य करने के लिए आप देश के अंदर दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे तो मुझे तो अच्छा लगता है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई व्यक्ति देश में भी और दुनिया के अंदर मिल जाता है। लेकिन साथ साथ जो लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहां प्रसन्नता भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्थिति वहां पर भी बहुत बदहाल होती है, उनको देखकर के मन में एक पीड़ा भी होती रही है। और कोरोना के दौरान तो हम लोगों ने देखा जब 40 लाख माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था, उत्तर प्रदेश में उनके रहने की व्यवस्था, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए थे। मेरा यह मानना है सबसे ज्यादा रोजगार हम दे सकते हैं एमएसएमई योजना के माध्यम से, तो वह सबसे अच्छा आधार उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। और जहां तक गोरखपुर को हम लोगों ने इसके लिए चयन किया है वह है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में अगर आप गोरखपुर मुख्यालय से आगे बढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज के आगे गोलहरिया एक छोटा सा कस्बा है, उसी के पश्चिम में गांव है, छोटा सा गांव है औरंगाबाद। आज से 15 साल पहले की घटना है, मैं वहां से होके गुजर रहा था, अचानक बरसात आने लग गई तो मैंने देखा कि वहां पे एक जगह से धुआं निकल रहा था। तो मैंने पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा धुआं कैसे? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा कैसा मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं? तो मैंने उन लोगों के घर में देखा कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो उसका कलर मैंने देखा, मैंने कहा ये कलर आपने किया? उन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टी में जब हम पकाते हैं तो आग में पकाते हैं तो कलर उससे पैदा होगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आज तो गोरखपुर में कई गांवों में ये कार्य वहां के कलाकार कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ओडीओपी योजना में गोरखपुर के टेराकोटा का चयन किया था, गोरखपुर जनपद से लोगों ने मुझसे इस बारे में कहा था कि टेराकोटा से क्या होगा गोरखपुर का,
मैंने कहा देखना गोरखपुर का एक टेराकोटा एक दिन देश के अंदर छा जाएगा। और जो हम लोगों ने 2017 में, मुझे याद है जब हम लोगों ने गोरखपुर में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, तो हमें दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीप नहीं मिले, 51,000 दीप हमें वहां जलाने थे, लेकिन 51,000 दीप भी हमें पूरे प्रदेश से एकत्र करने पड़े। और इस बार तो कोरोना में गोरखपुर का टेराकोटा पूरे देश के अंदर छा गया। अकेले गोरखपुर का वही कार्यक्रम मुझे मिला यहां लखनऊ में दीपावली के एक दिन पहले। तो हमारे विभागीय मंत्री उन्हें लेकर के यहां पर मुझसे मिलाने के लिए लेके आए थे कि लोग, हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई है, तो इस एग्जीबिशन में गोरखपुर का भी एक कलाकार आया है। मैंने कहा मैं आज से नहीं 15 वर्षों से जान रहा हूं इनको। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि उसने 2 दिन के अंदर 8 लाख रुपए की बिक्री की थी लखनऊ की प्रदर्शनी में। यानी मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अब चीन से नहीं बल्कि गोरखपुर का टेराकोटा का कारीगर बनाएगा। और उसकी देखा है कि प्रदेश के अंदर हर कुमार को इस कला के साथ आगे बढ़ने और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार उसको सहयोग कर रही है। ऐसे ही हर योजना के साथ हम लोगों ने किया है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। देखिए उत्तर प्रदेश वही है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सत्ता में आने के बाद कोई स्पेशल चीजें आ गई हों या कहीं दूसरे लोग से कुछ लोग हमारे लिए कुछ अलग से कोई संसाधन कोई पैकेज भेज रहे हों। प्रदेश वही है, जमीन भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन कार्य पद्धति आपको हर एक क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई दी होगी। आज विकास हो रहा है, जितना विकास गोरखपुर में हो रहा है उतना ही लखनऊ में भी हो रहा है, उतना ही प्रयागराज में, उतना ही वाराणसी में, उतना ही आजमगढ़ में भी, जिस आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे, हर एक जगह विकास उसी रूप में हो रहा है। क्योंकि शासन की नियत और उसको जमीन तक पहुंचाने वाली टीम की नियत दोनों अगर साफ सुथरी हो तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। और आज ODOP योजना के माध्यम से भी हम लोगों को अपने युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार दिलाने और अपने स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिली है। और मेरा यह मानना है कि देश के अंदर पिछले 3 वर्ष की लोकप्रिय योजनाओं में से कोई एक योजना है तो वह है ODOP की योजना, जिसे यूनियन बजट में भी मान्यता दी है और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के आधार के रूप में किसी एक योजना को स्वीकार किया है तो वह है ODOP की उत्तर प्रदेश की योजना। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद की विशिष्ट उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इस प्रकार की विशिष्ट योजनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और साक्षी आपको भी। गोरखपुर के बाद अब हम सीधे चलते हैं प्रयागराज। सुश्री शिष्या राठौर अपनी बात कहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं शिष्या राठौर प्रयागराज से। मुख्यमंत्री जी मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप तो प्रयागराज की धरती में है और प्रयागराज तो हम सब के लिए ये गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थली भी है। आप सब जानते हैं कि यह हमारी धर्म की धरती भी है, ज्ञान की धरती भी है और न्याय की धरती भी है। आपने रामचरितमानस की पंक्तियां सुनी होंगी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां उमति तहां विपत्ति निधाना। व्यक्ति की सकारात्मक सोच, उसकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जीवन में व्यक्ति को सदैव सकारात्मक दिशा में पहल करनी चाहिए। परिणाम की चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए और भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए मैं भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक योगी हूं। क्योंकि लोगों की मान्यता होती है कि
इस भेष में लोग ज्यादातर भाग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति केवल भाग्य पे भरोसा नहीं करता है, अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ भी हमारा सकारात्मक हो, उसकी दिशा स्पष्ट हो और लोक कल्याणकारी हो और उस दिशा में किए गए प्रयास का परिणाम भी सकारात्मक आएगा। व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। देखिए अक्सर होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अक्सर बच्चे देर रात्रि तक जागते हैं और फिर सुबह देर बहुत देर में उनका उठने का एक क्रम बनता है। देखिए दिनचर्या में जब भी व्यक्ति असंतुलन पैदा करेगा तो असंतुलन उसके जीवन को भी प्रभावित करेगा, उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए लंबे समय तक चलने के लिए, हमारा लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षा में कोई अच्छा स्थान प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने स्वयं की मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो सके, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सके और एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसलिए नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ साथ एक सकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वतः ही उसकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होगा। आप तो प्रयागराज की धरती में हैं, प्रयागराज में ढेर सारे माने तो लगभग 14,000 से अधिक विद्यार्थियों को कोरोना कालखंड में वहां से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि प्रयागराज कुंभ के दौरान 2019 में मैं देखता था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र मेहनत भी करते थे, लेकिन दिन में वे लोग प्रयागराज के अंदर में उनको घूमते हुए देखता था जब वे अलग अलग धार्मिक पंडालों में हो रहे प्रवचनों को बहुत नजदीक से निहारते थे, देखते थे और बहुत सारे प्रतियोगी छात्र वहां पर डुबकी का भी आनंद लेते थे संगम में और साथ साथ भंडारे का प्रसाद का भी मजा चखते थे, तो मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती थी वहां देख करके और मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज ने इस माहौल को बनाए रखने में अभी तक वहां पर कि प्रतियोगी छात्रों के लिए वह एक स्थान बन सके इसको आज भी प्रयागराज ने बना के रखा हुआ है। मैं इसके लिए प्रयागराज के उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस प्रकार का माहौल दिया है उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रयागराज माहौल हर एक जगह प्रारंभ हो सके, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और शिष्य आपको भी। और अब चलते हैं मेरठ, मेरठ से बात करेंगे श्री हिमांशु बंसल। हिमांशु अपनी बात कहें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते जी। हाँ हिमांशु जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्पश्चात मैं आपको इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपनी ओर से और तमाम उन छात्रों की ओर से जो इस योजना से कहीं ना कहीं लाभान्वित होने जा रहे हैं सबकी ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हिमांशु बंसल है और मैं मेरठ से ही हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और मैंने यहाँ पे सिविल सर्विस के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आप क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर हमेशा किसानों के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, मेरा प्रश्न आपसे इस प्रकार है कि वर्तमान में सरकार किसानों के विकास के लिए उनके हितों के लिए देखिए आपने प्रश्न आपके दो प्रकार के हैं। एक आपको एक विश्वास है कि आप
जिस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं उसमें सफल होंगे और इस देश से आपने इस योजना को सराहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की भी आपको चिंता है और मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे युवाओं के मन में देश के अन्नदाता किसानों के बारे में भी एक अच्छी भावना है। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर किसानों की चिंता प्रारंभ हुई और वह चिंता जो पहले अक्सर नारों तक सीमित होती थी, भाषणों तक सीमित होती थी, उस चिंता को समाधान की ओर बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2014 में आने के बाद जो उनका सबसे पहली योजना प्रारंभ हुई थी वो सॉयल हेल्थ कार्ड की जारी हुई। देखिए हम लोग अक्सर जितने भी हम लोग हैं हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, अपना कोई सप्ताह में, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, अपना शुगर की जांच कराता है, ब्लड प्रेशर की जांच कराता है, यानी हर प्रकार से अपने को फिट रखने का प्रयास करता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखता है तो उससे संबंधित उपचार भी प्रारंभ कराने लगता है। लेकिन जिस धरती माता से उम्मीद करते हैं कि यह हमें हर वर्ष हर फसल में अच्छा उत्पन्न करके दे, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में आजादी के बाद कभी चिंता नहीं है। हम सब आभारी होना चाहिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जिन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों की जो अमूल्य धरोहर है इस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्होंने सबसे पहली बार प्रेरणा हमें प्रदान की और सॉयल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 3.25 करोड़ से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित कर चुके हैं और उनकी किस तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है इन सब के बारे में उनको बकायदा सर्टिफिकेट वितरित कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। दूसरा, भारत जैसे देश में जहां पर बड़ी मात्रा में किसान इस बात पर निर्भर करता है कि मानसून पर निर्भर करता है या मौसम के उस पर फसल चक्र उसकी जुड़ी हुई है और एक अनिश्चितता होती थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उसकी फसल की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तीसरा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी और फिर उस पानी को भी ऐसा नहीं कि हम केवल पानी देने की बात किसान के खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं ये भी नहीं, बल्कि किसान को हर खेत तक पानी देने के साथ साथ हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा है, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ा है। ड्रिप इरिगेशन ये खेती की एक तकनीक है जो अधिक उत्पादन करने यानी कम लागत में ज्यादा उत्पादन की क्षमता उस किसान के खेत से प्रारंभ हो सकता है, यह सुविधा भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पिछले 8 वर्षों से एकदम एक कोने में फेंकी हुई थी, उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में 24 ऐसे जींस के लागत का 1.5 गुना दाम देने का कार्य भी किया, किसानों की आमदनी को दुगना करने का कार्य हुआ और पहली बार खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि संबंधी वे कानून भी पास कराए गए जिसको लेकर के जो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों का हित हो, जो लोग नहीं चाहते हैं किसानों के जीवन में भी खुशहाली हो, जो नहीं चाहते कि खेती किसानी की लागत कम हो लेकिन उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो, उन लोगों के द्वारा भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ है और उस भ्रम का परिणाम स्वरूप उस जगह भले ही आंदोलन हो रहा है
लेकिन सामान्यतः देश के किसानों ने तीनों कृषि संबंधी कानून को बहुत अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ लिया है। आप उसका परिणाम देख सकते हैं, जैसे मंडी शुल्क, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2.5% मंडी शुल्क लेते थे, लेकिन आज के दिन पर जब मंडी शुल्क को मंडी के बाहर समाप्त हुआ, पहले होता क्या था, मंडी समिति के लोग कहीं भी कोई किसान या कोई व्यापारी चाहता था, मंडी के बाहर भी कोई बिक्री करता था, वे पहुंच जाते थे और उस संपत्ति को जब्त कर लेते थे, किसान के उस खाद्यान्न को जब्त करते थे, उससे जबरदस्ती मंडी शुल्क वसूल करते थे। नए कानून के बाद अब मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त हो गया, मंडी के बाहर कोई भी मंडी शुल्क नहीं ले सकता है, और मंडी के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को मंडी शुल्क को 1% तक बढ़ाना पड़ा। आज 1% मंडी शुल्क है उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर किसानों के हित में है, ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाला है, साथ साथ इससे कॉमन मैन को भी काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि अगर जितने भी टैक्सेस कम होंगे तो उसका लाभ अंततः किसान को प्राप्त होना है। तो इसी पहली मंडी की उससे दूसरा किसान, पहले होता था कि मेरठ का किसान जो मेरठ के अंदर ही बिक्री करेगा, मंडी के अपने कमांड एरिया है, अब नए कानून ने किसान को पूरे देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के पहुंचाने और उसको वहां पर उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी है। वह कहीं भी जाकर के, अगर मेरठ के किसान को ज्यादा दाम दिल्ली की मार्केट में मिल रहा है तो दिल्ली के मार्केट में जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा बीच में नहीं होगी, ना बॉर्डर होगा, ना किसी प्रकार की कोई सीमा उसके लिए होगी। तो किसान के लिए पहली बार वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनने वाला है। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भी बड़ी जोत है, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो बहुत छोटी छोटी जोत के किसान हैं और सभी लोग खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इन सभी किसानों को अलग अलग कार्यों के साथ कॉन्टेक्ट खेती कॉन्टेक्ट फार्मिंग की तरफ ले जाने का प्रयास हो, मानिक तो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना है, भाई मैं और आपके बीच में, हमारे मेरे और आपके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता होना है तो दोनों की सहमति से होगा, एक तरफा नहीं हो सकता, किसान की खेती को कोई ले नहीं सकता, यह अधिकार हमेशा किसान के सामने सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके नाम पर जिस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ कि किसान की खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ले लिया जाएगा, इस प्रकार की भ्रम की स्थिति से मुक्त करने की आवश्यकता हटानी की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति खेती के साथ ही ना जुड़े, कुछ लोग डेयरी के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में काम कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से मुनाफा को फिर एक साथ एफपीओ के माध्यम से उस मुनाफे को उन लोगों तक अगर पहुंचा देंगे तो कई, यानी व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्र खुलेंगे इनकम के, उस इनकम के स्रोत को भी खोलने का एक माध्यम केंद्र और प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया, कृषि विज्ञान केंद्र हरेक जनपद में हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जोड़ने, कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ने, उन्हें नई तकनीक, नया बीज और फिर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। मंडियों को भी हम लोगों ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये सभी इसलिए कि जिससे किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करके हम उन्हें कम मेहनत में ज्यादा लाभ दे सके, अच्छी सुविधा दे सके। गन्ना आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, गन्ना किसान पहले गन्ने की पर्ची के लिए दौड़ धूप करता था, आप गन्ने की पर्ची के लिए से कहीं नहीं जाना है, आप उसके स्मार्टफोन पे ही हम लोग सीधे उसके पास उसको भेजते हैं कि आपको इतना कुंटल गन्ना पानी चीनी मिल तक पहुंचाना है, सारी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई। तकनीक का जीवन में बहुत लाभ हुआ है और किसानों को हम उसी के साथ तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ एक प्रयास ये भी है कि किसान तकनीक के साथ जुड़ने के साथ साथ किसान को हम आधुनिक सुविधा का लाभ भी दे सके और कम लागत से अधिक उत्पादन की ओर ले जा सके, जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगा। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो प्रगतिशील किसान है वह तो व्यापक रूप से जागरूक है और उसने इन चीजों को देखा है। दूसरा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाना,
आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन पहले झांसी की एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें वहां पे एक बालिका ने अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के उत्पादन की एक नई व्यवस्था वहां प्रारंभ की है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस बात को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने मेरे पास वो परिवार आया था क्योंकि उससे पहले एक महीने पहले मैंने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किया था झांसी में। एक सामान्य किसान जब धान और गेहूं का उत्पादन करता है अपने खेत में, तो पर एकड़ उसका जो उत्पादन होता है उसको धान और गेहूं में एक वर्ष में वो 25,000 से 30,000 रुपए पर एकड़ इनकम उसकी आ सकती है। लेकिन वही अगर गन्ने में आप देखेंगे तो इनकम 50,000 तक पहुंचती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी में इस परिवार ने झांसी में एक वर्ष में 36 लाख का मुनाफा कमाया है। अगर कोई भी किसान खेती के विविधीकरण की दिशा में इस प्रकार का सार्थक प्रयास करता है, जो सरकार का प्रयास है कि इस दिशा में हरेक किसान प्रयास करें, तो वह किसान खुशहाल होगा कि जो एक एकड़ में 36 लाख कमा रहा है, या वह खुशहाल होगा जो एक एकड़ में 25,000 रुपया कमा रहा है। 25 लाख और 36 लाख में बहुत, 25,000 और 36 लाख में बहुत अंतर है। और मुझे लगता है इस अंतर को हमें अपने अन्नदाता किसानों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और जिस दिन वो समझेगा उस दिन वो आंदोलन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के जीवन में कितना व्यापक परिवर्तन किया है। और मुझे लगता है कि गुमराह करने वाले तत्व हर अच्छे कार्य के लिए गुमराह करते हैं, उस प्रकार की नकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने का कार्य करते, अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाज में विस्फोटन करने का कार्य करते हैं। हमें एक सकारात्मक पहल करके उन्हें सही दिशा देनी पड़ेगी कि वास्तव में उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और केंद्र और प्रदेश सरकार इसी सकारात्मक दिशा में प्रयास कर रही है। और अब अंत में बारी है लखनऊ की, यहाँ पर उपस्थित सुश्री प्रियांशी मिश्रा अपनी बात कहें। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद आपकी इस अभ्युदय योजना के लिए हम सभी छात्रों की ओर से। मुझे आपसे पूछना है, कोरोना जैसे इस महामारी में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश विदेश में क्यों सराहा गया? देखिए टीम वर्क, जब भी हमने उत्तर प्रदेश के सामने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एक चुनौती थी, और चुनौती कई कारणों से थी। एक 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, बहुत बड़ी आबादी का प्रदेश। दूसरा, ये मान्यता है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए हर व्यक्ति चिंता करता। मुझे याद है 22 मार्च को जब 2020 में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का दिन था, उस दिन जब सायंकालीन सत्र में पूरे देश के अंदर थाली बजाने का कार्यक्रम था, थाली बजाने की घटना की तत्काल बाद मेरे पास दो फोन आए थे, एक आदरणीय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का। और दोनों महानुभावों ने मुझसे इसी बात के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, योगी जी कोरोना आ गया है, हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी की जनता कैसे बचेगी, क्योंकि जो महामारी है संक्रमण बहुत तीव्र है। और मैंने उस समय उनको आश्वस्त किया था इस बात को लेकर के हम उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे। उन्होंने कहा, कैसे संभालेंगे, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, दूसरा इतनी घनी आबादी है, बहुत सारे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए कठिन होंगे, लेकिन हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया, हम मजबूती से लड़ते रहे। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन सभी कारकों को जो कोरोना के संक्रमण के लिए उत्तरदायी थे, उन सबको ढूंढा, उसके बाद उसके निवारण के लिए उस प्रकार के उपाय किए। हमने मंत्रिमंडल की एक टीम गठित की जो पॉलिसी तय करती थी, नीति तय करती थी, फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम थी जिनके साथ नियमित रूप से मेरा बैठना होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हम लोगों की बैठक ना होती हो, हम लोग नियमित रूप से बैठते रहे
और नियमित रूप से बैठक करके हम लोग तय करते थे कि कहां पे क्या क्या होता था। मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता, प्रातःकालीन सत्र में मैं अपने वरिष्ठ नौकर साहों के साथ यहां बैठता था, हर एक विभाग की समीक्षा करता था, और सायंकालीन सत्र में जनपद से मैं संवाद करता स्वयं ही। दोनों प्रकार से दोनों टीमें काम करती थी, और फिर इसमें हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर कार्य करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पहला कोरोना का पहला केस आया था आगरा में, फिर नोएडा में, उस समय हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं, हम दिल्ली में टेस्ट कराने के लिए भेजे। हमने 0 से 2 लाख तक कोरोना टेस्ट पहुंचाया। आज हम 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे, और 75 में से 36 जिले ऐसे थे जहां आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, यानी एक भी वेंटिलेटर नहीं था। हम लोगों ने दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर एक जिले में आईसीयू बेड्स बढ़ाए, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए। हम लोगों ने हर एक जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए, हर एक जिले में अलग अलग टीमें बनाई गई। जैसे टीम लेवल यहां राज्य स्तर पर हमारे पास थी, चीफ सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे, एसीएस होम थे, एसीएस हेल्थ थे, अलग अलग विभागों की अलग अलग लोगों को लेकर 11 लोगों की टीम मैंने यहां बना दी। ऐसे ही जिलों में भी टीम बन गई, हर एक स्तर पर अधिकारी कार्यकर्ता हुआ दिखाई दिए, और हम लोगों ने हर एक स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को करना, टेस्टिंग को बढ़ाना, ये लगातार चलता रहा। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिना धैर्य खोए, विपत्ति में उसका जो सबसे बड़ा मित्र होता उसका धैर्य होता, तो बिना धैर्य खोए हुए हम लोगों ने टीम भावना से जो प्रदेश के अंदर काम किया, और प्रदेश की जनता ने जो समर्थन किया सरकार का, और इसमें जो सबसे बड़ा संभव था प्रधानमंत्री जी का था, जो इस पूरी योजना में हम लोगों को सहयोग करते थे, मार्गदर्शन करते थे, उसका परिणाम था कि इतनी बड़ी आबादी हुई राज्य को हम लोग कोविड 19 से बचाने में। और अगर देखेंगे तो देश के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके यहाँ बड़ी खराब स्थिति हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहा, सुरक्षित है, बेहतर तरीके से। यानी आज जो कोविड के जो आज के जो मेरे पास आए थे, यानी जिस दौरान लॉकडाउन था, लॉकडाउन समाप्त होने के दिन जो स्थिति थी उस समय तक संक्रमण उतना तीव्र नहीं था, वह स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश एक सेफ जोन में है, सारी गतिविधियां हमारी खुल चुकी है, अब हमारे स्कूल भी खुल चुके हैं। 1 मार्च से हमारा प्रयास है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी हम प्रारंभ कर देंगे। जन सहभागिता यानी जनता का सहयोग, जनता का समर्थन और टीम भावना के साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं उसके साथ बनाई गई रणनीति, बेहतर समन्वय, अंतर विभागीय जो समन्वय था एक दूसरे के साथ जोड़ करके जो परिणाम सामने आए हैं वह कोरोना के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये काम हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ भी और अन्य सामुदायिक कार्यों के साथ भी करके दिखा सकते हैं। माननीय एक और छात्रा आपसे कुछ कहना चाहती हैं, अनामित सिंह, अपनी बात करें। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि आप पूरे समय व्यस्त रहते हुए भी जन सामान्य के लिए कैसे सोचते हैं? देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। जब लक्ष्य ही लोक कल्याण हो तो व्यक्ति की सोच कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हम लोगों ने अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रखा है, और दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि हमें वे सभी माध्यम ढूंढ निकालने हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग में बाधक है, उन सभी को हम समाधान की तरफ लेकर के जाएंगे। हमारी व्यस्त दिनचर्या है वहां पर हम लोग केवल उस कार्य से ही
में ही रह करके उसी में उलझ करके नहीं रह जाते हैं। हमारे लिए हर एक घटना एक सबक भी होती है। याद रखना, कोई घटना कहीं घटित होती है तो उस घटना के समाधान का रास्ता निकालने के साथ साथ वह हमें एक सबक भी देता है, और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि हम ठोकर खाने का इंतजार न करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि अगर बगल से सामने से आने वाले व्यक्ति को ठोकर लग रही है और उसका पैर चोटिल हो रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह स्वयं भी ठोकर खाने से बचे, उससे सबक सीखे। व्यस्तता हम लोगों को कुछ नए अनुभव भी कराती है हर एक घटना से। मैं आज इस समय आपके साथ संवाद बना रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न इसके साथ ही घूम रहे हैं कि आप जैसे तमाम युवाओं के मन में प्रदेश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में आखिर कौन कौन से प्रश्न हैं, और फिर स्वतः ही उस समस्या का समाधान का रास्ता भी उसके माध्यम से निकलता हुआ दिखाई देता है। इस व्यस्त दिनचर्या से ही रास्ता निकलेगा, और उसी व्यस्त दिनचर्या के माध्यम से हम लोग अभ्युदय जैसी योजनाओं को भी निकालने में सफल होते हैं। ये उसका माध्यम है, और मुझे विश्वास होगा कि ये सभी योजनाएं आप लोगों के लिए लाभ करेंगे। आपके साथ संवाद के लिए, आपने जानकारी के साथ साथ बहुमूल्य जीवन के सूत्र भी दिए और संस्कार भी। अभ्युदय योजना ने निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं, जिससे वो नई उड़ान पर बढ़ने का साहस करें और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने में अपना योगदान दें। अब मैं देश प्रदेश के युवाओं के लिए नया सवेरा लाने वाले और उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त कर उन्हें स्वावलंबी बनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अभ्युदय योजना के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रामपति शास्त्री जी, डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, प्रोफेसर एस सी वर्मा जी, प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव सी आर के तिवारी जी, अभ्युदय योजना से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस अभिनव योजना के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, और इस योजना के प्रति आकर्षित होकर के आए हुए अपने प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाशाली हमारे प्रदेश के भविष्य की कमान को आगे बढ़ाने वाले मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अभ्युदय योजना के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, इस सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है जो प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित है, और इसे आप सबको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कल से ये क्लासेस प्रदेश के अंदर प्रारंभ होंगी। इसमें दोनों प्रकार की क्लासेस प्रारंभ होंगी, एक जिनका एक संक्षिप्त टेस्ट करके जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें फिजिकली अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा, और जो कि सीमित संख्या की
हम अभी कुछ दिन पहले का परिणाम देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भी दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सेल्स को हमें सुविधा देंगे कि वर्चुअली इस अभियान के साथ जुड़ सके। तो ये दोनों प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का एक प्रयास है और इसलिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अपने प्रदेश के युवाओं से दो तीन बातें कहनी है और वह आपने सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सुनी होंगी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी, लक्ष्य बढ़ा करके रखो, चलो और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना हो, शुरुआत में ही तय करो कि नहीं, हम जो करेंगे उसकी बुनियाद मजबूत इतनी कर लो कि वो बुनियाद आपको एक ताकत देती रहे। हम लोगों ने अभ्युदय योजना के पीछे का भी यही भाव रखा है। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा, अभ्युदय योजना के पीछे मेरे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति थी। मैंने कोरोना कालखंड के दौरान इस बात को देखा, उस पीड़ा को, भावों की पीड़ा को भी देखा था और तड़पते हुए उन युवाओं की पीड़ा को भी देखा था जो कोटा में फंसे हुए थे, उनके ट्वीट और उनके द्वारा वहां से जिस प्रकार की छटपटाहट भरी, ऐसे लगता था जैसे पिंजड़े में बंद कोई पक्षी वहां छटपटाहट मचा रही हो। उन स्थितियों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैंने एक साथ यहां पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भी यहां से परिवहन निगम की बसेज भेजो। उस समय हमें राजस्थान सरकार ने बसेज नहीं उपलब्ध करवाई, लेकिन हमने यहां से बसेज भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि अगर ये सुविधा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएं तो आखिर उसके उसको परिणाम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग न हो, आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है। लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहुंचाया पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी आईएएस आईपीएस आईएफएस पीसीएस और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और आईआईटी के क्षेत्र में या एनडीए और सीडीएस की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, सब के इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले दो तीन वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने इन पर भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ आई एस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, आईपीएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र ना बनने का है,
हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ ना कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वह अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पे प्रस्तुत करिए। बताइए आपने क्या अच्छा किया है, या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सके, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सके। ऐसे हुआ भी है, आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प, और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारे एक आईएएस अधिकारी की थी, तो मेरे कार्यालय में इसे सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे उस समय उन्होंने कुछ विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है, और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ रहे जा रहे हैं, कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई इस फील्ड के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि यूपीएससी के उसमें केवल 80 छात्र यूपी के आए, क्या होगा यूपी का। और फिर मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, पहले 2 प्रेजेंटेशन मेरे सामने आए थे, एक आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने और दूसरा मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार ने। इन 2 अधिकारियों ने अपने 2 प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने फिर इस अभ्युदय योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। आज ये दोनों प्रतिभाशाली अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और जो टीम हमने प्रदेश के अंदर बनाई है पूरे कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए, इस टीम में 2 अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में इसका पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है, अच्छा कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में प्रयास। या जितने युवा यहां पर हैं या जितने आप मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना आप कितना गए हैं, अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको नहीं किया, यूपी के 50 लाख लोग इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और जो यहां पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारे पास विश्वविद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज न हो, या कोई अन्य अच्छा संस्थान न हो, लेकिन जो अच्छे संस्थान हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, अक्सर होता क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग ही नहीं करते। हमारे पास इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके पास अपनी लैब है, लेकिन सॉयल हेल्थ के लिए हम लोग एक नया कमरा ढूंढते हैं, कहीं एक नया कमरा मिलेगा
वहां पे हम लोग सॉयल हेल्थ का जांच कराएंगे किसानों का, आखिर इन संस्थाओं की लैब को अपग्रेड करके इसका उपयोग इसके लिए किया।